राम राम दोस्तों, और आ रहे हैं मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल, आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे 8 और मैं व्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। तो आज सुबह सुबह इतना कोहरा साया है कि आप देख लीजिए कि हमारे तो मैंने इतना कोहरा कभी नहीं देखा। देख लीजिए, इतना कोहरा है कि 10 फुट से ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये पौधे देखिए आप, बस 10 फुट से आगे कुछ नहीं है। जैसे जिस प्रकार धुआं होता है उस प्रकार हो गया पूरा पूरा, एकदम कोहरा ही कोहरा है। हमारा घर बिल्कुल नज़दीक में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। मैं नज़दीक जाऊंगा तो दिखाई देगा, आप देखते रहिए। बिल्कुल पास में जाते हैं ना, वो देखो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। और ज़मीन है, ये भीग गई है पूरी पूरी, इस तरह जैसे बरसात हो रही है उस तरह भीग गई है। अब ये दिखाई देना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, जब भी मैं घर से कितना लगभग 20 फुट दूर हूँ करीब। तो अभी समय हुआ है, दिन की लगभग 12 बजने वाली है और अब कहीं जाके सर्दी ख़त्म हुई है, कोहरा हटा है। ये बकरियां आ गई सारी पानी पीने के लिए यहाँ पर, और ये इस कुत्ते को मारने के लिए आतुर है। कैसे खड़ी है, इसको देख के ये इसको मारने के लिए तैयार हो गई। दूर दूर तो अब भी बहुत कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी धूप निकली और सर्दी गई है। आज सर्दी से बहुत बुरा हाल हो गया। और ये आपको मैंने पहले दिखाया था रोइडे का पौधा, तो इस पर देखिए कितने फूल आए। ये देखिए बहुत सारे फूलों से साग गया है। ये देखिए कितने सुंदर और पीले पीले फूल आए। इसको फूल खाना है इसलिए ये दौड़ रही पीछे पीछे। वो टॉमी आ रहा पीछे पीछे, आया ला। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए इन पौधों में पानी डाला नहीं है, तो आज इनको फुल पानी पिलाऊंगा मैं। और इस बेर पर तो इतने बेर आए कि ये झुक गई है नीचे बिल्कुल, कैसे देखिए अंगूरों की तरह। ये इतने भारी भारी गुच्छे लगे हैं कि ये नीचे आ गए सारे। ये भी टहनी, ये भी टूटने वाली है, अब ज़मीन पर टेक गई है। इतने सपोर्ट दिए फिर भी ये नीचे जा रही है। तो आज इनको मैं फुल पानी पिलाऊँगा। पहले तो एक बार फुल पानी डालने से इसको 10-15 दिन और पानी डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े पौधे हैं तो इनको पानी भी फुल देना पड़ता है। और एक बार फुल पानी देने से ये सूखते भी नहीं है जल्दी। तो इनके सारों और फुल पानी देना है। तो ये मटका ये भर जाएगा अब, उसके बाद में इसके सारों और भी एक बार पानी डाल के इसको फुल कर देंगे। और ये दो छोटे छोटे मटके हैं ना इधर, इनको भी भर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी इनसे मिलता रहेगा। तो मैं जल्दी से इन पौधों को पानी दे देता हूँ फटाफट। अब फुल पानी डाल के दोनों ही छोटे छोटे मटके भर दिए और इसकी जगह इसको भी फुल पानी दे दिया है। तो ये बोर या तो बड़े हो जाएंगे जल्दी से, या फिर इसमें कीड़े और भी ज़्यादा लगेंगे, जैसा भी होगा एक बार पानी तो फुल दे देते हैं इसको। तो इस शीशम को भी पानी देकर इस प्रकार पूरा भर दिया है, और इधर इस गूंदे में भी पानी दे रहा हूँ। इसको तो कल पानी दिया था, आज थोड़ी ज़रूरत है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, फिर भी थोड़ा सा दे देते हैं क्योंकि इसमें पानी कल दिया था।
तो ये जल्दी से इस पर नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए एक बार इसको पानी देना ज़रूरी है। बाकी तो ये बड़ा पौधा है, ज़्यादा पानी की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूमि से अपने आप ये खींचता रहता है, और ज़्यादा बड़ा होने पर पौधे को ज़्यादा पानी देना भी नहीं चाहिए। तो एक बार इन सारे पौधों में पानी दे दिया है, सभी के अंदर ये देखिए पानी पानी पड़ा है, फुल भर दिया है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आज मैंने इस सूल्हे को कर दिया स्थापित, ये देखिए जो पुराना सूल्हा था उसको हटा दिया और इसको अब स्थापित कर दिया यहाँ पर निश्चित जगह पे। और ये कितने साल चलेगा ये तो इसकी उम्र ही बताएगी अब, लेकिन इसको एकदम व्यवस्थित कर दिया है। और एक बार तो इसको रेत पे ही रखा है, और इस जगह जो भी खाली जगह है यहाँ पर कसा गोबर लेके इसकी लिपाई करेंगे और ये मजबूत हो जाएगा बाद में। तो इसको ये हमारी रसोई है जो कच्ची भींत वाली है गोबर वाली, ऊपर से देखिए कितनी काली है ये। ये है ओडा, आपने नहीं देखा हो तो, इसके नीचे बर्तन रखते हैं, इसको ऊपर उठा के आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इस प्रकार इसके ऊपर रख देते हैं, बिल्ला वगैरह नहीं खाता। और बाकी कुछ इधर सामान है, ये एक कोठा, इसके अंदर भी कुछ कीमती सामान रखते हैं। ये पुराने ज़माने में सभी इसी प्रकार के होते थे। ये भी एक गोबर से बना हुआ है। और बाकी ये इधर बर्तन रखे हुए, इसका गेट बंद करते हैं तो इसके अंदर अंधेरा हो जाता है। ये देखिए ये इस प्रकार का है, मैं नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी इसमें जो भी घी वगैरह होता है वो रख देते हैं तो कोई खाता नहीं है। और इसके ऊपर जो लॉक लगा हुआ है इसको लॉक लगा देते हैं। और इधर ये जगह है जो सूखी लकड़ियाँ रखते हैं, और इधर बैठ के रोटी बनाते हैं, ये मिट्टी की परात है। और बाकी के बर्तन उधर ले गए, क्योंकि आज यहाँ पर अभी ये सूल्हा सेट नहीं है तो इसको पहले लिपाई करेंगे, दो दिन सूखेगा उसके बाद ही इस पर रोटी बनेगी, तो इसलिए बर्तन सारे उस रसोई में ले गए। तो ये आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके अवश्य बताना, और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल के सदस्यता लेके घंटी का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू व्लॉग में। सभी को राम राम, नमस्कार, खमा गणेश, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।